474 पे पीछे, आंसर्स के पीछे पेज 474 पे एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, इट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके सॉरी, इट्स स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम है आपका -15 -8 आए, तो इस -15 -8 आए का हमने स्क्वायर रूट लिया है एक्स प्लस आई वाई। फिर जब दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये अंडर रूट ऑफ -15 -8 आए में अंडर रूट हट जाएगा, यू गेट -15 -8 आए, मेयर यू गेट एक्स प्लस आई वाई ब्रैकेट स्क्वायर। इस एक्स प्लस आई वाई ब्रैकेट स्क्वायर को आप एक्सपांड करो, एक्सपांड करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आई प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा, और इस आई स्क्वायर के लिए -1 पुट अप कर दीजिए तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई मिलेगा। अब यहाँ पे आप दोनों साइड जब कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये जो रहेगा -15 आएगा, और 2xy जो है ये आएगा -8। ओके, ऑन लेफ्ट हैंड साइड यू आर हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर -15 -8 आए, ऑन द राइट हैंड साइड यू आर हैविंग द कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और सेकेंड पार्ट जो है आपको वो 2xy आए है, मतलब यहाँ पार्ट 2xy है। अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम कंपेयर करेंगे तो दोनों का रियल पार्ट इक्वल आएगा और दोनों का इमेजनरी पार्ट इक्वल आएगा। जहां तक रियल पार्ट का केस है तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इट इज इक्वल टू -15, और जहां तक इमेजनरी पार्ट की बात है उसमें मिलेगा 2xy, इट इज इक्वल टू -8। ओके, यहां से आप या तो एक्स की वैल्यू ले लीजिए या वाई की वैल्यू ले लीजिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -15 जो आ रहा है, तो क्वेश्चन वन कंसिडर कीजिए, बाकी 2xy इज इक्वल टू -8 जो आ रहा है, यहां से आप या तो एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए या वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए। यहां से अगर वाई फाइंड करें तो वाई आएगा -8 अपॉन एक्स, ये इक्वेशन टू। एनी डाउट टिल यर? एक इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -12 आ रहा है, और दूसरा इक्वेशन 2xy इक्वल टू -8 था, वहां से y इज इक्वल टू -4 अपॉन एक्स आएगा, सॉरी -4 अपॉन एक्स आएगा। 2xy इक्वल टू -8 था, 2 से डिवाइड होगा तो y जो है वो -4 अपॉन एक्स आएगा। ओके, यस, एनी डाउट टिल यर? अब ये y की वैल्यू आप इक्वेशन वन में पुट अप कीजिए, पुट y इज इक्वल टू -4 बाय x इन वन, y के लिए -4 बाय x इक्वेशन वन में पुट अप कीजिए, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस -4 बाय x का स्क्वायर इट इज इक्वल टू -15, दिस गिव्स यू एक्स स्क्वायर -16 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -15, ये मिलेगा आपको। पहला टर्म एक्स स्क्वायर एज इट इज है, फिर माइनस साइन है, फिर -4 अपॉन एक्स का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और बाहर माइनस साइन है फिर से ये नेगेटिव हो जाएगा, सो यू गेट 16 अपॉन एक्स स्क्वायर नेगेटिव साइन इक्वल टू -15 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको एक्स रेस टू 4 -16 इज इक्वल टू -15 एक्स स्क्वायर मिलेगा, दिस गिव्स एक्स रेस टू 4 प्लस 15 एक्स स्क्वायर -16 इक्वल टू 0। जब आप थ्रू आउट एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला टर्म एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 4 हो जाएगा, -16 एज इट आएगा इक्वल टू -15 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये -15 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इसे आप आर एच एस में लेके एल एच एस में लेके आइए तो ये +15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स यू गेट एक्स रेस टू 4 +15 एक्स स्क्वायर -16 इक्वल टू 0। ओके, यू गेट दिस? नाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपको +15 आ रहा है और यहाँ पे -16, मीन्स यू हैव टू फाइंड टू नंबर्स हुज एडिशन इज +15 एंड मल्टीप्लिकेशन इज -16। यस, ऐसे दो नंबर बताइए। फिफ्टीन एंड वन, एडिशन 15 है और मल्टीप्लिकेशन -16 है,
एडिशन 15 है प्लस 15 और मल्टीप्लीकेशन माइनस 16 है, टू नंबर्स हुज एडिशन इज प्लस 15 एंड मल्टीप्लीकेशन इज माइनस 16. यस एक आंसर माइनस 16 प्लस 1 आ रहा है और एक आंसर प्लस 16 माइनस 1 आ रहा है. दो लोगों ने आंसर दिया है. 15 और माइनस 1 तो आएगा ही नहीं. आपको दो नंबर चाहिए जिनमें एडिशन प्लस 15 है और मल्टीप्लिकेशन माइनस 16 है. प्लस 16 माइनस 1. देखिए मैसेज आ रहा है स्क्रीन क्लियर नहीं है. ठीक है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट अगर मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है तो आप वहां से सुनिए. मैं ये कह रहा हूँ दो नंबर बताइए जिनको ऐड किया तो प्लस 15 आएगा और मल्टीप्लाई किया तो माइनस 16 आएगा. एडिशन प्लस 15 मल्टीप्लीकेशन माइनस 16. यस इट विल बी प्लस 16 एंड माइनस 1. तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू 4 प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0. यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए तो ब्रैकेट में आपको एक्स स्क्वायर प्लस 16 आएगा. माइनस 1 कॉमन लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 आएगा इक्वल टू 0. फिर एक्स स्क्वायर प्लस 16 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा. मीन्स यहां से आपके जो दो ब्रैकेट बनेंगे, एक ब्रैकेट आपका एक्स स्क्वायर प्लस 16 बन रहा है और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन रहा है. यस एनी डाउट इन दिस? अब दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, मींस आउट ऑफ द टू एटलीस्ट वन ऑफ द ब्रैकेट इज जीरो और माइट बी बोथ द ब्रैकेट आर जीरो. ओके ये हो जाएगा तो आपको मिलेगा आइदर एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. बट एक्स स्क्वायर कैनॉट बी माइनस 16. एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस 16 नहीं आएगा. ओके देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 16 नॉट इक्वल टू 0. यहां से आपको मिला देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1. यू गेट दिस? ओके अब जो दो ब्रैकेट आपके 0 आ रहे हैं उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 16 0 हो रहा है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 हो रहा है. लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 16 ये 0 नहीं हो सकता है. वाई? बिकॉज एक्स स्क्वायर ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा. एक्स स्क्वायर कैनॉट बी नेगेटिव. वाई? वाई? यस बिकॉज स्क्वायर जो है वो स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव रहता है. सबसे पहली बात तो अगर आपको पहला स्टेप याद हो तो हमने पहला स्टेप ये लिया था अंडर रूट ऑफ माइनस 15 माइनस 8 आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. हमने सबसे पहला स्टेप यही लिखा था. ठीक है इसमें जो एक्स प्लस आई वाई लिखा है, अब आप रिकॉल कीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन. कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या थी? कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज अ नंबर ऑफ द टाइप ए प्लस आई बी, जहां पे ए और बी दोनों क्या है? रियल नंबर्स है. ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर्स. ओके इन द सेम वे यहां पे हमने जो लिखा था अंडर रूट ऑफ माइनस 5 माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 15 माइनस 8 आई दिस इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. तो यहां पे एक्स और वाई दोनों रियल नंबर्स है. दोनों क्या है? रियल नंबर्स है. अब अगर एक्स रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा. इसलिए एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू माइनस 16. दैट्स वाई एक पॉसिबिलिटी जो एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0 वाली थी वो वैनिश हो गई. ओके रह गई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और वहां से मिलेगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1.
अब ये एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन आपको कहाँ पुट अप करनी है, इक्वेशन टू में। इक्वेशन टू आपकी कौन सी है, इक्वेशन टू है वाई इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन एक्स, पुट इन वन सॉरी पुट इन टू, इसे आप इक्वेशन टू में पुट अप कीजिए। ओके जब आप इसे इक्वेशन टू में पुट अप करोगे तो आपको वाई की वैल्यू मिलेगी। अब इक्वेशन टू आपकी वाई इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन एक्स है, तो दो पॉसिबिलिटीज है, जब आप एक्स इक्वल टू वन लोगे और जब आप एक्स इक्वल टू माइनस वन लोगे। जब आप एक्स इक्वल टू वन लोगे आपको मिलेगा वाई इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन वन विच इज माइनस फोर, और जब आप एक्स इक्वल टू माइनस वन लोगे तो ये मिलेगा वाई इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन माइनस वन विच इज फोर, आपको ये मिलेगा। ओके मतलब जब एक्स की वैल्यू वन है तब वाई की वैल्यू माइनस फोर आ रही है, और जब वाई की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू माइनस वन है तब वाई की वैल्यू फोर आ रही है। ओके यू गेट दिस, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ माइनस फिफ्टीन माइनस एट आई दिस इज इक्वल टू आइदर वन माइनस फोर आई और माइनस वन प्लस फोर आई, ये आएगा इसका आंसर। ओके मीन स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस फिफ्टीन माइनस एट आई, इट इज एक्स पॉजिटिव वन तो वाई नेगेटिव हो जाएगा माइनस फोर, तो आपको वन माइनस फोर आई मिलेगा, और एक्स अगर आप नेगेटिव लेते हो माइनस वन तो वाई हो जाएगा पॉजिटिव फोर, तो आपको मिलेगा माइनस वन प्लस फोर आई, यू गेट दिस। ओके ये आ गया इसका आंसर। यस एनी डाउट इन दिस? एक्स के आपको दो वैल्यूज मिल रहे हैं प्लस वन एंड माइनस वन, ठीक है, इसे आपको वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज करना है। वाई और एक्स में रिलेशन जो है वो नेगेटिव फॉर्म का है, मतलब वाई इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन एक्स है, तो जब एक्स वहां पे पॉजिटिव पुट अप करेंगे तो वाई नेगेटिव आएगा, और जब आप एक्स नेगेटिव पुट अप करोगे तो वाई वहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। जब हम एक्स के लिए पॉजिटिव वन पुट अप कर रहे हैं तो वाई के लिए नेगेटिव फोर आ रही है, और जब हम एक्स के लिए नेगेटिव वन पुट अप कर रहे हैं तो वाई के लिए फोर आ रही है। ओके बाय दैट यू गेट अंडर रूट ऑफ माइनस फिफ्टीन माइनस एट आई, इट इज इक्वल टू वन माइनस फोर आई और माइनस वन प्लस फोर आई, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई करने के लिए ये जो वन माइनस फोर आई है आप चाहो तो इसका स्क्वायर करके देखो, ठीक है, इसका स्क्वायर करो और स्क्वायर करने के बाद चेक करो क्या वाकई इसका आंसर माइनस फिफ्टीन माइनस एट आई आ रहा है। सिमिलरली ये जो माइनस वन प्लस फोर आ रहा है इसका भी एक बार स्क्वायर करके देखो, स्क्वायर करने के बाद चेक कीजिए क्या वाकई इसका आंसर माइनस फिफ्टीन माइनस एट आई आ रहा है। ओके क्लियर, सो दिस इज द वे यू कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके थर्टी नाइन आर प्रेजेंट। ओके मूविंग फर्दर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस एट माइनस सिक्स है, सेकेंड माइनस एट माइनस सिक्स है, लेट स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एट माइनस सिक्स आई दिस इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। यहां पे आप चाहो तो मेंशन कर दीजिए एक्स कॉम वाई बिलोंग्स टू आर, मीन्स एक्स एंड वाई आर रियल नंबर। ओके अब बिल्कुल उसी मेथड से आप प्रोसीड कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और देखिए आप लोग का आंसर क्या आ रहा है। यस ट्राई ऑन योर ओन, ओनली वन आंसर। देयर शुड बी टू आंसर, वन प्लस थ्री आए तो नहीं आएगा, वन प्लस थ्री आए आंसर नहीं आएगा। वन प्लस थ्री आई आंसर नहीं आएगा, हाँ माइनस वन प्लस थ्री आई सही है, दो आंसर आएंगे, एक आएगा वन माइनस थ्री आई और एक आएगा माइनस वन प्लस थ्री आई। वन माइनस थ्री आई एक आंसर ये होगा एंड अदर विल बी माइनस वन प्लस थ्री आई, दिस विल बी टू आंसर। आई थिंक ये दिया हुआ है 18 क्वेश्चन, वन माइनस मॉड ऑफ वन माइनस आई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टू रेस टू एक्स, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। मेरे इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, आप लोग बताइए ये सही है क्या। क्वेश्चन दिया है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस
ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है, मॉड ऑफ वन माइनस आई ब्रैकेट मॉड रेस्ट टू एक्स इज इक्वल टू टू रेस्ट टू एक्स, इसके आपको नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल, सॉरी नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन बताने हैं। ओके, इसके नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन बताने हैं। नाउ सी हाउ टू सॉल्व इट, ये आपको गिवन है। ओके, नाउ सी ये क्या है, ये है मॉड, मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ वन माइनस आई, मॉड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब मॉड जो है, मॉड लिया जाता है इस तरह से, अंडर रूट ऑफ ये आएगा वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर, और ये रेस टू एक्स है एंड दिस इज टू रेस टू एक्स, ये है इसकी सबसे पहली स्टेप। अब मुझे ये बताइए, क्या ये पहली स्टेप क्लियर है या इसमें डाउट है? हाँ आयुष, कहिए क्या डाउट है? यस आयुष, देखिए सिंपल सा है, आपको 1 माइनस आई ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है। आप जब भी इसका मॉड फाइंड करोगे तो मॉड में क्या आता है, मॉड में अंडर रूट ऑफ ये जो रियल पार्ट है इसका स्क्वायर होता है, और इमेजिनरी पार्ट मतलब आई के साथ जो नंबर है, यहाँ पे आई के साथ नंबर माइनस वन है उसका स्क्वायर होता है। आप ये देखिए, अगर आपको ए प्लस आई बी होगा तो इसका मॉडुलस आप क्या लेते हो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ जो नंबर है इसका स्क्वायर और आई के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर। यहाँ पे नंबर वन है और आई के साथ नंबर माइनस वन है, तो माइनस वन का स्क्वायर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई मॉड की बात। अब मॉड का पावर एक्स दिया हुआ है तो हमने इसका पावर एक्स लिया हुआ है। ओके क्लियर, यस। आप कोई डाउट है तो पूछिए, बाकी इक्वल टू में टू रेस्ट एक्स तो एज इट इज है। यस एनीवन, अभी भी अगर कोई स्टूडेंट है जिनको नहीं समझा तो पूछिए, सिंपल है। मॉडुलस हमने लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उस मॉडुलस का पावर एक्स है तो हमने एक्स पावर ले लिया है। ओके, नाउ दिस गिव्स यू अंडर रूट टू रेस टू एक्स इज इक्वल टू टू रेस टू एक्स, वन स्क्वायर वन होगा माइनस वन का स्क्वायर भी वन होगा, वन प्लस वन टू हो गया, इट इज इनसाइड अंडर रूट, देयरफॉर ये हो गया टू रेस टू एक्स बाय टू इज इक्वल टू टू रेस टू एक्स, यू विल गेट दिस। टू रेस टू एक्स बाय टू इज इक्वल टू टू रेस टू एक्स, इसमें कोई डाउट? टू इनसाइड द अंडर रूट है मतलब इसका पावर हाफ हो गया और बाहर एक्स है, तो टू रेस टू एक्स बाय टू हो गया इज इक्वल टू रेस टू एक्स। दिस इंप्लाइज एक्स बाय टू इट इज इक्वल टू एक्स। अब दोनों साइड बेस सेम है टू, तो इनके पावर इक्वल होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे पावर एक्स बाय टू है, तो एक्स बाय टू इट इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर एक्स है, ये एक्स हो जाएगा। दिस इंप्लाइज यस, वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, यदि x बाय टू और x इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी आएगी? इफ x बाय टू इट इज इक्वल टू x, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? आसमा आपका तो पहले आंसर वन था, फिर जीरो कैसे हो गया? क्वाइट कंफ्यूजिंग सर, एक्स तो कट जाएगा दोनों साइड, ऐसे कैसे कटेगा? आप यहाँ पे डायरेक्टली एक्स कट नहीं कर सकते हो, इस बात को ध्यान रहे, ठीक है। वैसे यहां से एक्स के लिए जीरो हो जाएगी। ओके, यहां से एक्स के लिए जीरो हो जाएगी। नाउ सी हाउ, आप जो बोल रहे हो ना दोनों साइड एक्स कट हो जाएगा, एक्स ऐसे कट नहीं होगा बिकॉज वन बाय टू इट इज नॉट इक्वल टू वन, वन बाय टू और वन इक्वल नहीं है, इसे आप एक्स कट नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहां से आप लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहां से हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू एक्स एंड देयरफॉर एक्स इक्वल टू जीरो, यह आएगा आंसर। ये टू इधर मल्टीप्लाई हो गया, टू एक्स हो गया, ठीक है। फिर ये एक्स इक्वल टू टू एक्स हो जाएगा,
इस एक्स को आप नेक्स्ट साइड लेके जाइए, यहाँ हो जाएगा जीरो, इस एक्स को नेक्स्ट साइड लेके गया तो टू एक्स माइनस एक्स एक्स हो जाएगा, मीन्स यू गेट एक्स इक्वल टू जीरो। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सिंपल है, एक्स बाय टू इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। आप टू इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको एक्स इक्वल टू टू एक्स मिलेगा, ठीक है। दोनों लाइक टर्म्स है। अब जब दोनों लाइक टर्म्स होते हैं तो आप इस टर्म को उधर लेके जाइए, ये टर्म जब उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यू गेट टू एक्स माइनस एक्स, टू एक्स माइनस एक्स एक्स हो जाएगा, और ये टर्म उधर जा रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ जीरो आ जाएगा, तो यू गेट एक्स इक्वल टू जीरो। यस, एनी डाउट? स्पेशली देवेंद्र, ओके। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन थी, ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया, आपको ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो कितने नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस है? जीरो, मीन्स नो, देयरफॉर इट, इट मतलब ये, इट हैज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। इट हैज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, ओके। इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे? जीरो, ओके। एक्चुअली इसको एक सॉल्यूशन है और वो जीरो है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा हुआ है, तो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन एक भी नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जाएंगे जीरो, ओके। यस, एनी डाउट? ओके, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द मॉडुलस ऑफ, आपको दिया है, इसमें मेरे इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप लोग प्लीज बताइएगा। लेट जेड इज इक्वल टू ले लीजिएगा 1 प्लस आई अपॉन, नीचे 1 माइनस आई दिया हुआ है, और ये 1 माइनस आई अपॉन नीचे 1 प्लस आई दिया हुआ है। यहाँ पे कौन सी साइन है बीच में, प्लस है कि माइनस है? माइनस, ओके, सो दिस माइनस। लेट जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई, यू गेट जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई। वी विल डू दिस, इन शॉर्ट एलसीएम ले लिया, ओके। इन शॉर्ट क्या किया, एलसीएम ले लिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया वो हो जाएगा एलसीएम। यहाँ 1 माइनस आई है तो ऊपर 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ 1 प्लस आई है तो ऊपर 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई कीजिए, ओके, बाय टेकिंग एलसीएम। अब इसको सॉल्व करके आप लोग बताइए क्या मिल रहा है, टेक योर टाइम, दिस विल गिव यू 2i, ठीक है। मतलब z हो जाएगा 0 प्लस 2i। क्वेश्चन क्या था इसका, मॉडुलस, तो मॉड ऑफ z आएगा मॉड ऑफ 0 प्लस 2i, दिस गिव्स यू 0, दिस गिव्स यू अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, और अंडर रूट 4 स्क्वायर से क्या हो जाएगा, और ध्यान रहे 2 आएगा क्योंकि मॉडल ऑफ जेड इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, ओके, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यस, एनी डाउट इन दिस? ये कैलकुलेशन कीजिए, ये कैलकुलेशन के बाद आपको 2i मिलेगा, 2i मिल रहा है, जिसे आप 0 प्लस 2i फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, 0 प्लस 2i फॉर्म में आ गया। फिर जब आप इसका मॉडल फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा
mod of 0 plus 2i, this is equal to under root of 0 square plus 2 square, and that gives you 2. Okay. फोर्टींथ क्वेश्चन इजी है बेटा, फोर्टींथ क्वेश्चन इज वेरी इजी। इसमें है फाइंड द रियल नंबर्स एक्स एंड वाई इफ, आपको दिया है एक्स माइनस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई इंटू थ्री प्लस फाइव वाई, दिस इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ माइनस सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर आए। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 15 तो आई थिंक ये सॉल्व किया मैंने अभी, किसी ने अभी भी क्वेश्चन 15 पूछा है, 15 क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने सॉल्व किया अभी। फाइंड द मॉडुलस ऑफ वन प्लस सॉरी फाइंड द रियल नंबर एक्स एंड वाई इफ, ये क्वेश्चन है एक्स माइनस आई वाई इंटू थ्री प्लस फाइव आए, इट इज कॉन्जुगेट ऑफ माइनस सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर आए, तो कॉन्जुगेट ऑफ माइनस सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर आए जब आप लोगे तो वो माइनस सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर आएगा। ओके, इसमें कोई डाउट है क्या पहले बताइए, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे यहाँ पे माइनस सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर आए लिख देते हैं, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, वहां पे माइनस सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर आए दिया, सॉरी माइनस सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर आए का ये दिया हुआ है, व्हाट यू कॉल कॉन्जुगेट दिया हुआ है, बाकी आपको सिर्फ इसका ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करना है एंड यू हैव टू सॉल्व इट। अब जैसे ये आपको देगा 3x प्लस 15i माइनस 3yi एंड माइनस i स्क्वायर 5y, दिस इक्वल टू माइनस 6 प्लस 24i, ये आपको देगा 3x ओके एंड ये माइनस आई वाई इंटू प्लस फाइव आई, ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे ओके यहाँ पे 15x आएगा, तो ये आई स्क्वायर जो है माइनस वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स यू गेट प्लस फाइव आई, और ये प्लस आई कॉमन ले लीजिए तो आपको ब्रैकेट मिलेगा 15x माइनस 3y, दिस इक्वल टू माइनस 6 प्लस 24i मिलेगा। दोनों साइड जब कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन में 3x प्लस 5y ये आपको देगा माइनस 6 और 15x माइनस 3y ये आपको देगा 24। यू विल गेट दीज टू इक्वेशन ओके, 3x प्लस 5y दैट गिव्स यू माइनस 6 एंड 5x है, सॉरी x इंटू 5y ये आपको 5x देगा एंड माइनस 3y, ये 5x है, 5x माइनस 3y आपको 24 देगा। ओके, यू विल गेट दिस टू इक्वेशन। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप अपने 10th स्टैंड के मेथड्स यूज कर सकते हो जो आपने 10th स्टैंड में स्टडी किया था। इसमें कोई डाउट, सिर्फ आपको इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करना है, इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, फिफ्टींथ क्वेश्चन सिंपल है, फिफ्टींथ क्वेश्चन में आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए कि यहां पे वन माइनस आई दिया हुआ है ना, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है वन प्लस आई से, तो 1 प्लस आई से इसको मल्टीप्लाई किया और ऊपर 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई किया, तो ऑलरेडी ऊपर 1 प्लस आई है तो 1 प्लस आई ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 1 प्लस आई दिया हुआ है तो इसके कॉन्जुगेट 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस आई ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 1 माइनस आई है आप 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 प्लस आई है आप 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो डिनोमिनेटर 1 माइनस आई 1 प्लस आई आएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये वन स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर खुद माइनस वन है तो वन माइनस ऑफ माइनस वन वन प्लस वन टू हो जाएगा,
ये 2 आएगा, ऊपर आप कैलकुलेशन करोगे 4i मिलेगा, 4i डिवाइड बाय 2 करोगे आपको 2i मिलेगा, मतलब सिर्फ bi मिल रहा है, इसका मतलब a की वैल्यू 0 है। a प्लस आई बी में आपको 2i मिल रहा है, मतलब a की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 2i, बस इसका फिर आप मॉडुलस फाइंड कीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मॉडुलस पूछा था। ओके क्लियर। अब यहां से डिमांड आ रही है क्वेश्चन नंबर 17 की। ओके क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 में आपको दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ, विथ के बाद कंडीशन क्या है जरा मुझे बताइएगा, क्योंकि यहां मेंशन नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरे बुक में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1 होगा, सही है, मॉड बीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए। नाउ सी 17 में आपको दिया है अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मॉड बीटा इक्वल टू 1, यही दिया ना मॉड बीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको दिया है मॉड ऑफ ऊपर बीटा माइनस अल्फा है अपॉन नीचे आपको 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये है। ओके यू आर हैविंग दिस, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके नाउ सी हाउ टू सॉल्व इट, ये आएगा मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन ये जो 1 है, ठीक है, इस 1 को आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट दिस एज स्क्वायर ऑफ मॉड बीटा माइनस अल्फा बार बीटा। ओके कैसे लिखा, हमें दिया हुआ है मॉड ऑफ बीटा 1 है, तो मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर जो है ये भी 1 आएगा। ओके मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर ये भी 1 आएगा, सो इंस्टेड ऑफ दिस 1 वी आर टेकिंग एज मॉड बीटा स्क्वायर। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मॉड बीटा क्यों नहीं लिया, स्क्वायर क्यों लिया, ठीक है, रीजन इज दिस, बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉड बीटा स्क्वायर, इट इज बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, ठीक है, जेड और जेड बार मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कॉन्जुगेट, इन दोनों का जब आप जब भी मल्टीप्लिकेशन करोगे आपको मॉड जेड स्क्वायर मिलेगा। अब पहले ये बताइए, पहले दो स्टेप्स क्लियर है, आर द फर्स्ट टू स्टेप्स क्लियर, फर्स्ट टू स्टेप में कुछ नया नहीं किया है, जो ये 1 था इस 1 की जगह पे मॉड बीटा स्क्वायर पुटअप किया है, क्योंकि मॉड बीटा 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 आएगा, ठीक है, तो ये जो 1 है ना इस 1 की जगह पे हमने मॉड बीटा स्क्वायर पुटअप किया हुआ है, इंस्टेड ऑफ 1 वी आर पुटिंग मॉड बीटा स्क्वायर, और मॉड बीटा स्क्वायर क्यों पुटअप किया है, बिकॉज ऑफ दिस जेड इंटू जेड बार मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मिलेगा स्क्वायर मिलेगा। ओके यू विल गेट द स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये जो हमने मॉड बीटा स्क्वायर लिया है ना, यहां से फिर हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। एनी डाउट इन दिस, नाउ नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा कॉमन इन द ब्रैकेट यू गेट बीटा बार माइनस अल्फा बार, ये आ जाएगा। ओके दिस विल गिव यू मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा कॉमन, ब्रैकेट को आप या फिर आप सीधे क्या कर सकते हैं, देखिए यू कैन डायरेक्टली राइट दिस इन दिस फॉर्म, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉड बीटा इंटू मॉड ऑफ बीटा बार माइनस अल्फा बार, यू कैन डायरेक्टली राइट दिस। ओके
मतलब मॉडुलस पूरी तरह से अलग करके आप इन्हें अलग से मॉडुलस दे सकते हो और डिनोमिनेटर में अलग से मॉडुलस दे सकते हो, ठीक है। अब ये जो है मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा और मॉडुलस ऑफ बीटा बार माइनस अल्फा बार, इन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा इट इज सेम एज मॉडुलस ऑफ बीटा बार माइनस अल्फा बार, ओके। अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो, इफ यू आर टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ओके, इफ यू टेक एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड और इसका कॉन्जुगेट, इन दोनों का मॉडुलस हमेशा सेम रहता है, इन दोनों का मॉडुलस हमेशा सेम रहता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके कॉन्जुगेट, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो नेगेटिव कर दिया जाता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी है तो कॉन्जुगेट आएगा ए माइनस आई बी। अब जब आप इन दोनों के मॉडुलस फाइंड करोगे तो अंडर रूट के अंदर दोनों में पहला पार्ट तो सेम है ए, तो आपको ए स्क्वायर मिलेगा, फिर प्लस, फिर जो दूसरा पार्ट है आप उसका स्क्वायर करते हो तो दूसरे पार्ट में प्लस बी लीजिए या माइनस बी लीजिए, उनका स्क्वायर बी स्क्वायर ही आएगा, तो यू गेट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कॉन्जुगेट, इन दोनों का मॉडुलस हमेशा इक्वल रहता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा माइनस अल्फा, ओके, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा बार माइनस अल्फा, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा बार माइनस अल्फा बार, इन दोनों का कॉन्जुगेट सेम रहेगा, ओके, इन दोनों का मॉडुलस सेम रहेगा, ठीक है। सो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, दिस टू विल बी कैंसिल्ड, या आप एक स्टेप ये लिख सकते हो, दिस इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, नीचे मॉड बीटा, और इसके आप मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा लिख सकते हो बाय गिविंग दिस रीजन, ओके, रीजन ये रहा। अब ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यू गेट वन अपॉन मॉड ऑफ बीटा एंड दिस गिव्स यू वन बाय वन विच इज वन, यू विल गेट दिस आंसर। हाँ प्रीति, आपने 2i+3 लिखा है, आपको इसका कॉन्जुगेट चाहिए। सी, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 2i+3 है, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट आएगा -2i+3, इसमें रियल पार्ट 3 है तो वो 3 ही रहेगा, इसका इमेजिनरी पार्ट 2i है जो कि पहले लिखा गया है तो वही नेगेटिव होगा, मतलब आपको -2+3i मिलेगा, ओके। अब जब आप इनका व्हाट यू कॉल मॉडुलस फाइंड करोगे तो मॉडुलस में ये a की वैल्यू है 3, इसका स्क्वायर 9 आएगा, वैसे ये a के लिए 3, इसका स्क्वायर 9 आएगा, यहाँ वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और यहाँ वैल्यू -2 है, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, मीन्स दोनों केस में आपको अंडर रूट के अंदर 9+4 मिलेगा विच इज अंडर रूट 13, ओके। एनी डाउट इन दिस प्रीति एंड एनी डाउट इन दिस ऑल द स्टूडेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है ना वो ये है, मॉडुलस ऑफ जेड एंड मॉडुलस ऑफ जेड बार, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, इनका मॉडुलस हमेशा इक्वल रहेगा। बाय दैट पॉइंट मॉड ऑफ बी माइनस बीटा माइनस अल्फा एंड मॉड ऑफ बीटा बार माइनस अल्फा बार, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, आपको सिर्फ नीचे मिलेगा मॉड ऑफ बीटा, और मॉड ऑफ बीटा ऑलरेडी प्रॉब्लम में आपको 1 दिया हुआ है, सो आंसर विल टर्न आउट टू बी 1।